तो आप यहाँ देख सकते हैं हम आज के मैंने बूटेबल मैंने मेमोरी कार्ड बनाया है। आप एंड्रॉयड बना सकते हैं या फिर मेमोरी कार्ड आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका यूज करके आप इस तरह से एक बूटेबल यूएसबी बना लीजिएगा। इसको हम अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए हमने इंसर्ट कर लिया। इसके बाद ये हमारा लिनोवो का आइडिया पैड 130 है। इसको हम यहाँ से पावर ऑन कर लेते हैं। इसका पावर ऑन करने के बाद देखिए हमने कर दिया। इसके बाद F12 दबाते हैं बूट मेन्यू लाने के लिए। तो हम देखिए यहाँ पे F12 दबा रहे हैं। देखिए हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज बूट मैनेजर USB डिवाइस और नेटवर्क। तो हम यहाँ पे सिंपली हमने जो USB इंसर्ट किया था उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम इसको इंटर कर लेते हैं। इस पर सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से लोगो अब हमारा आ जाएगा। लोगो आने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है। इस तरह से बफरिंग करेगा, इस तरह से थोड़ा सा बफरिंग करेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ 7 यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट के लिए आया है। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, जो भी माउस से करना चाहेंगे माउस से, यहाँ पे एरो के साथ करना चाहेंगे तो एरो के साथ। हम माउस से कर रहे हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट US, और यहाँ पे सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस तरह से इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका सेटअप इज स्टार्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली सेटअप इज। स्टार्टिंग सो वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शंस आए हैं, जैसे कि यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें सही लगता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब चीज़ें जो भी है उसको एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप अपग्रेड टू इंस्टॉल विंडोज की फाइल सेटिंग्स एंड एप्लीकेशन डायरेक्ट अपग्रेड हो जाता है उससे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कस्टम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम कस्टम से करेंगे, जो भी हमारे सिस्टम फाइल थी पुरानी उसको हम फॉर्मेट करेंगे और इसके बाद हम अपनी न्यू फाइल डालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट पर हमारी सी ड्राइव को फॉर्मेट कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ठीक है, हमने सी ड्राइव को फॉर्मेट कर लिया है। यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं। आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली यहाँ पे हम एक पार्टीशन सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बनाया है। हमने देखिए यहाँ पे 150 GB का बनाया हुआ है सी ड्राइव के लिए, तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे सिंपली ये सारे चीज़ डिलीट करके फॉर्मेट भी मार सकते हैं ड्राइव को, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद चाहेंगे तो फ्रेश न्यू यहाँ से बना सकते हैं अपने हिसाब से जितने चाहे पार्टीशन। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली हमारे जो फाइल्स जैसे कि फॉर्मेट कर देंगे तो आपके सारे फाइल्स उड़ जाएंगे। अगर आप फॉर्मेट नहीं करते हैं और जो सी ड्राइव है जो हमने सिस्टम के लिए बनाया हुआ है पार्टीशन उसको अगर आपका उसको फॉर्मेट करेंगे तो आपका सिर्फ सिस्टम फाइल ही फॉर्मेट होगा। तो हम सिस्टम वाले फाइल को फॉर्मेट एक बार और कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी फॉर्मेट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों डायमेंशन टोटल स्पेस और फ्री स्पेस दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा विंडोज इंस्टॉल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा आपको वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही मिनट्स लगते हैं और हमारा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ के दिखाते, यहाँ देख सकते हैं हमारी जो विंडोज़ की फाइल है
वो हमारी कॉपी हो चुकी है 99 और ये हमारा 100%। यू आर कंप्यूटर विल रिस्टार्ट सेवरल टाइम, यू मे टेक अ व्हील। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारी जो विंडोज़ फाइल होती है वो कॉपी हो चुकी है। इसके बाद गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, तो वेट कर लेते हैं। हमारी जो गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से ये 1 to 100 होगा, तो इसके लिए भी थोड़ा वेट करके स्किप करके वीडियो हम आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारा कॉपी विंडोज़ फाइल भी हो चुका है, गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन इंस्टॉल भी हो चुका है, इंस्टॉलिंग फीचर भी हो चुका है। देख सकते हैं इंस्टॉलिंग अपडेट्स अभी हो रहा है, इसके बाद फिनिश अप पे जाएगा। देख सकते हैं हमारा रिस्टार्ट के लिए हो गया है, विंडोज़ नीड्स टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू, ऑटोमेटिक होता है, इसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से स्क्रीन बंद होगा, फिर से ऑन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिस्टार्ट होके यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हमारा स्टार्ट विंडोज हो गया है। हमने डबल सेटअप करके रखा है अपने कंप्यूटर में, इसलिए वो ऑप्शन दिखा रहा है दो विंडोज 7 का। तो इस तरह से आप देख लिए, यहाँ पर सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज, सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें वो चेक कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम वगैरह डालने के लिए आया है, तो यहाँ पे हम सिंपली कुछ डाल लेते हैं, ठीक है। इस तरह से डाल के यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमें पासवर्ड रखना होगा तो रख सकते हैं आप, हम नहीं रखेंगे, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की है तो रख सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिकमेंड सेटिंग हम ऐसे ही रखते हैं, टाइम हम बाद में सेट कर लेंगे या तो फिर यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम जानते बाद में सेट कर लेंगे हम। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ is finalizing your setting, देखिए हमारा विंडोज 7 अल्टीमेट हमने डाला था प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, तो हमारा लमसम सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा विंडोज एक फ्रेश हो चुका है सेटअप।